यूनिवर्सिटी का मॉपअप राउंड आउट हो चुका है, बट यहाँ पे बहुत सारे क्लूज है, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। जिन बच्चों को अभी तक भी कोई ऑप्शन नहीं दिखा रहा, बिल्कुल भी डरने वाली बात नहीं है, सारी चीज विद प्रूफ आपको बताने वाला हूं। देखो भाई, सबसे पहले बच्चों को, दो तीन बच्चों को मेल आए जो कि अदिति महाविद्यालय से थे, दो तीन कॉलेजेस अदिति महाविद्यालय से ही मेल आया था, दो तीन बच्चों को, वो मेल आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। अब इस मेल में लिखा है कि अब 6 बजे तक कंफर्म कर दो इस मेल के थ्रू ही। अब इसी सेम बच्चे को अभी क्या आया, अदिति पहले बीकॉम के लिए आया था मेल के थ्रू, और इसको अब पोर्टल पे दिखा रहा है कि अदिति महाविद्यालय ने सोशल वर्क में आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पेंडिंग पे चले गए हैं। तो मतलब एक बच्चे को सेम कॉलेज अलॉटमेंट हुई है, बट एक मेल के थ्रू हुई है और एक पोर्टल पे हुई है। तो अब इसमें से कौन सा सही है, मतलब पोर्टल वाला तो ऑब्वियसली सही ही है, अब मेल वाला फेक भी हो सकता है, तो जब तक आपके पोर्टल पे अपडेट ना हो तब तक मत मानना। दूसरी बात, एक बच्चे को विवेकानंद कॉलेज से पोर्टल पे ही अपडेट हुआ है, फीस पेमेंट का ऑप्शन आ गया है प्रिंसिपल से अप्रूव होने के बाद। अब ये अभी आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, विवेकानंद और अदिति कॉलेज, इन दोनों कॉलेजेस के अलावा अभी तक किसी और कॉलेज के अंदर चेंजेस या फिर किसी और कॉलेज से आपको वेबसाइट पे कुछ चेंज आया हो या फिर मेल का आया हो, ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला है। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने 3 से 5 तारीख तक का टाइम दिया था, तो भाई परेशान होने वाली कोई भी बात नहीं है। आप सबको हो सकता है थोड़ी देर में, हो सकता है शाम को, हर श्यामलाल कॉलेज जो डिफरेंट कॉलेजेस है वो अपना अलग अलग टाइम पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या फिर अपना प्रिंसिपल से अप्रूवल अलग अलग टाइम पे हो सकता है, तो आपको घबराने वाली कोई भी बात इसमें नहीं है। और हो सकता है जिन बच्चों के पास अभी फीस का ऑप्शन आ रहा है अदिति महाविद्यालय विवेकानंद कॉलेज के लिए, हो सकता है उनको बाद में दूसरे कॉलेज की तरफ से भी आ जाए, मल्टीपल कॉलेजेस का ऑप्शन भी आपके पास आ सकता है। तो मल्टीपल कॉलेजेस का ऑप्शन आएगा तो उनमें से आप एक की फी पेमेंट कर देना। अभी ऐसा मत करना कि आपको एक कॉलेज शो कर गया फीस पेमेंट का, आप उसी पे फी पेमेंट कर दो, वेट कर लो, क्या पता और किसी कॉलेज से भी आपको फी पेमेंट का ऑप्शन आ जाए और आपको फिर बाद में रिग्रेट ना हो। इस चीज के लिए मेरे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना, व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा आप मेरे से पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हो कि भैया कौन सा कॉलेज एक्सेप्ट करना, कौन सा नहीं करना है, आगे कौन से कॉलेज में जा रहे हो, उसमें पीजी मिलेगा नहीं मिलेगा, इसके अलावा जनरल इलेक्टिव सेक वैक इन सब में क्या सिलेक्ट करना है क्या नहीं करना है, पेपर की कैसे तैयारी करनी है, वो सारा मेंटोरशिप में इंक्लूड करूंगा जो बच्चे मेरे से मेंटोरशिप अब लेंगे वो। इसके अलावा यार आपको कोई भी डाउट होता है व्हाट्सएप चैनल पे मैं डाल दूंगा, व्हाट्सएप चैनल सभी ज्वाइन कर लेना, जो भी अपडेट होती है, घबराने की बिल्कुल बात नहीं है यार। आपको बहुत सारे बच्चों को एलोकेशन होने वाली और अभी नहीं हुई है, तो डरने की बिल्कुल भी बात नहीं है, जो भी होगा मैं आपको बताऊंगा। अभी दो ही कॉलेज से चेंजेस मिले हैं, मैंने आपको बता दिया विवेकानंद अदिति कॉलेज, और किसी कॉलेज से अब चेंजेस आते रहेंगे तो मेरे व्हाट्सएप चैनल पे आपको देखने को मिलता रहेगा। बाकी 5 तारीख तक का टाइम है, 5 तारीख से पहले आपको फीस पेमेंट करनी है, फीस पेमेंट करोगे कॉलेज एक्सेप्ट करोगे, फ्रॉम द नेक्स्ट वेरी नेक्स्ट डे आप कॉलेज जा सकोगे। तो ये चीजें हैं यार, और बाकी जिन बच्चों को मेल आ रहे हैं ना वो मेल मेरे को करके भेज दिया करो, हर सूरी 2018 करके मेरी मेल आईडी है, उसमें मेल करो और पूछो कि ये सही है या नहीं है। फेक बहुत सारा इस टाइम पे स्कैम चलता है, आपको एक लिंक भेजेंगे कि इस पे क्लिक करके फीस पेमेंट करो, और जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करते हो आपका बैंक का सारा पैसा गायब। तो बहुत सारे फ्रॉड्स भी इस टाइम पे होते हैं, तो उनसे भी आपको सेम टाइम पे बच के रहना है। बाकी आपके फ्रेंड्स में किसी को कुछ भी मेल आता है, कुछ भी चेंजेस देखने को मिलता है, मेरे को बताओ, और जैसे ही आप बताते हो अपडेट्स आपको व्हाट्सएप चैनल के थ्रू या फिर इसी चैनल पे मैं आके जरूर बताऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।